राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सस्पेंड अधिकारी पिंकी मीणा की शादी में मंगलवार को एन वक्त पर बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। जयपुर के सीकर रोड स्थित एक रिजॉर्ट में मेहमान तो पहुंचे, लेकिन शाही मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने बारात ही नहीं पहुंची। देर रात तक दूल्हे का इंतजार होता रहा, लेकिन शादी का मंडप सूना ही रहा। आखिर बुधवार सुबह इस मामले से पर्दा उठा कि पिंकी मीणा की शादी में न ढोल बजा, न ही चमकती हुई रोशनी हुई और आतिशबाजी भी नहीं की गई, बल्कि गुपचुप में एक गांव में ही फेरे ले लिए गए। निलंबित एसडीएम पिंकी मीणा की शादी वाली रात तब अचानक ट्विस्ट आ गया जब दूल्हा बारात लेकर जयपुर के सीकर रोड स्थित शादी वाले रिजॉर्ट में नहीं पहुंचा। शादी के लिए यहां पे राजावास का अनंतम सफारी बुक किया गया था और मेहमानों का आना जारी रहा था। मेहमानों की खातिरदारी या मेहमान नवाजी की पूरी व्यवस्था की गई थी। मैरिज गार्डन में स्लो म्यूजिक में गाने भी बजने लगे। मेहमानों के लिए खाना भी बन चुका था। शादी की रस्में निभाई जा रही थी, लेकिन मेहमान रात 10 बजे तक बारात का इंतजार ही करते रहे। रात 10 बजे इस बात की फुसफुसाहट हुई कि बारात राजावास के इस गार्डन में नहीं आएगी। मैरिज गार्डन के गेट बंद कर दिए गए, हालांकि मेहमानों ने खाना खा लिया था। मेहमान भी एक एक कर मैरिज गार्डन से बाहर आने लगे। तभी विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि पिंकी मीणा की शादी उनके गांव चितवाड़ी स्थित घर में ही होगी। कुछ देर में दूल्हा नरेंद्र भी दौसा के बैसवा से चितवाड़ी गांव में पहुंच गया। गांव में जहां शादी की गई, वहां पिंकी मीणा के घर पर डेकोरेशन भी नहीं की गई। सामान्य दिनों की तरह लाइट की व्यवस्था थी, ना गाना था, ना बजाना था, ना रिश्तेदारों का जमघट था। बस पिंकी मीणा के चुनिंदा परिजन और दूल्हे नरेंद्र के चुनिंदा दोस्त और परिजन ही वहां पहुंचे। पिंकी मीणा के गांव वाले घर में ही पानी ग्रहण संस्कार हुआ। सात फेरे भी वहीं लिए गए और शादी की औपचारिकता भी वहीं पे हुई। इसके बाद में पिंकी मीणा के ससुराल के लिए विदाई हो गई। हालांकि शादी होने के बाद अभी भी पिंकी की मुसीबतें कम नहीं हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 21 फरवरी को पिंकी मीणा को जेल में सरेंडर करना होगा। ऐसे में अब शादी के बाद सिर्फ 4 दिन की चांदनी होगी और पिंकी मीणा की फिर से वही सलाखों वाली रातें होंगी।